करते हैं हम कंपेरिजन बिटवीन द जेईई नीट एंड MST CET के अंदर, दोनों में फर्क क्या है, जेई में और नीट में, एज वेल जेई नीट या फिर MST CET में फर्क क्या है। तो गाइस ये बताने की जरूरत ही नहीं आप लोगों को, आपको अच्छी तरह से मालूम है जेई और नीट जो एग्ज़ाम होती है वो ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम होती है ना, और जो हमारे MST CET है वो स्टेट बोर्ड के लेवल की है। दोनों में कंपेरिजन बहुत बड़ा है, जेई मेन या फिर नीट एग्ज़ाम भी थोड़ी डिफिकल्ट लेवल होती है क्योंकि ये CBSE पैटर्न के ऊपर डिपेंड होती है। और बात करते हैं जो हमारे MST CET की, तो ये स्टेट बोर्ड की पैटर्न के ऊपर डिपेंड होती है, तो उसके कंपेरिजन में ये ईजी एग्ज़ाम है। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो जेई मेन नीट इज़ अ नेशनल लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम है, आपको मालूम है नेशनल लेवल इंजीनियरिंग है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके नीट हम मेडिकल एंट्रेंस के लिए यूज़ करते हैं, विद अ नेगेटिव मार्किंग है। ओके, ये नेगेटिव, इसमें सबसे बड़ा फर्क तो यही है ना सर, नेगेटिव मार्किंग है। हमारे MST CET में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती गाइस, तो ये तो बहुत बड़ा फर्क इसमें। अगर पासिंग क्राइटेरिया देखा जाए MST CET का, तो आप लोगों को पता है कि हमें 12th में 50% होना चाहिए। इवन इन द केस कि जो स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं, मतलब पॉली कर रहे हैं, वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर उन लोगों की इच्छा है कि हमें एग्ज़ाम देनी, तो दे कैन ऑल्सो गिव द एग्ज़ाम, तो उनको भी 50% का एग्रीगेटेड आ जाता है फॉर द जनरल एंड 45 कैटेगरी फॉर द रिजर्व कैटेगरी या फिर डिसेबिलिटी जो पर्सन होगा उसके लिए ऑन दिस महाराष्ट्र स्टेट। ये जो क्राइटेरिया गाइस, ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल है, ये बात को याद रखना आप लोगों ने। चलो आगे की स्लाइड की बात करते हैं, इज़ NCERT इनफ फॉर द MST CET एग्जाम। गाइज मैंने आपको पहले ही बताया है कि इवन स्टेट बोर्ड आपके स्टेट बोर्ड के बुक के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन लोगों को जेई भी देनी होती है, नीट भी देनी होती है ना। मान लो कि मुझे सर इंजीनियरिंग के लिए जेई भी देनी है और MST CET भी देनी है, तो अगर आपको JEE जैसे एग्ज़ाम देनी है, जेई देनी है, तो आप NCERT को अगर फॉलो करो तो बहुत बेस्ट रहेगा गाइज। ओके, मतलब आपको MST CET का प्रिपरेशन भी उसमें मिल जाएगा, एज वेल एज आपको जेई का भी प्रिपरेशन आपका उसमें हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से NCERT आपकी बेस्ट होगी MST CET एज वेल एज जेई के लिए भी, या फिर नीट के लिए भी बात करते हैं, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है ही आपको, तो आप नीट के लिए भी आप इनका यूज़ कर सकते हो NCERT एग्ज़ाम का। तो मतलब दोनों भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आपका उस बुक में हो जाता है, NCERT के बुक में। इज MST CET द क्वेश्चंस आर द बेसिक लेवल, जो बेसिक लेवल होते हैं वो NCERT में काफ़ी इजीली कंडक्ट होते हैं, और NCERT में थोड़ा सा एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं जो कि आपका नीट और JEE को आपको अलाउ करने के लिए, मतलब फॉलो करने के लिए बेटर रहेगी। ओके, तो ये भी याद रखो आप, जो 100 स्टूडेंट ऑफ CBSE बोर्ड, उन लोगों को तो NCERT मतलब CBSE बुक तो होती ही होती है, तो उनके लिए तो बहुत ईजी हो जाता है ना MST CET एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में काफ़ी कम स्कूल्स मतलब काफ़ी कम है 11th 12th CBSE बेसिस पे, हर एक के स्टूडेंट के इसमें CBSE नहीं आ जाता गाइज। ओके, तो माना कि उत्तर प्रदेश गुजरात में उन लोगों को बोर्ड डायरेक्टली CBSE आ जाता है बहुत से बोर्ड जगह पे, लेकिन हमारे इधर नहीं है वैसा। तो ये हमने 2018 के अंदर क्लियर किया था इस बात को, अप्रैल 2019 के अंदर। ओके, तो अप्रैल 18 2019 के अंदर इस कैंसर को क्लियर किया गया था, कि ये बात पता चली थी कि यार CBSE के बुक्स स्टूडेंट वालों को MST CET ईजी हो जाती है। डज MST CET हैव नेगेटिव मार्किंग, तो ये मैंने आपको पहले बताया कि देर इज़ अ नो नेगेटिव मार्किंग इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आपको बात करनी है मार्क्स की, तो आपको बता होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पेपर के अंदर हर एक क्वेश्चन को एक एक मार्क होता है। फिजिक्स में आपको जो मार्क्स होते हैं और मैथमेटिक्स में जो आपको मार्क्स होते हैं, वो एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होते हैं। फिजिक्स में 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन, और बायो के पेपर में आपको 100 क्वेश्चन होते हैं गाइस। मतलब ऐसे आपका जो ग्रुप 1 है, जो PCB ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है, वो 100-200 क्वेश्चंस का ग्रुप होता है 200 मार्क्स के लिए। लेकिन अगर बात करूँ मैं मैथ्स के अंदर PCM ग्रुप के बारे में, तो 2 मार्क्स मैथमेटिक्स को होते हैं, मतलब 50 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 100 मार्क्स फॉर द 50 क्वेश्चंस। ओके, मैथ्स के अंदर तो PCM में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं टोटल, वेर एज आपके केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन होते हैं। वैसे आपका 1 क्लिक क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में होते, आपके बायो में होते हैं ना, इसलिए उन्होंने ये क्राइटेरिया रखा गया है। कट ऑफ की बात करें हम, तो गाइस कट ऑफ अगर बात करें तो CoEP इंजीनियरिंग कॉलेज इज द वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन द महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र लेवल में देखा जाए तो ये सबसे फर्स्ट नंबर पे इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाता है आपका, स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो स्टेट लेवल में फर्स्ट नंबर पे आ जाता है आपका CoEP इंजीनियरिंग कॉलेज, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, इसका लॉन्ग फॉर्म होता है ऐसा। ओके, इसका कट ऑफ आपको दिख रहा है सामने, ये महाराष्ट्र का कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू दैट वन। ये मैंने जो बताया आप लोगों को कट ऑफ, ये 2019 का कट ऑफ है गाइस। 2020 का कट ऑफ अगर देखना है आप लोगों को, तो आप बिल्कुल गूगल पे सर्च कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि 175 जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 2020 एग्ज़ाम का, ये 20
19 का है आपका कट ऑफ दिखा रहा है आपको यहाँ पे, जनरल 170, ओबीसी 163, एसटी कैटेगरी 133 और एनटी 1 कैटेगरी जो है ना वो उनको 87 का कट ऑफ आ गया था। गाइज ये मत भूलना आप लोगों ने कि एनटी 1 कैटेगरी से जो भी है या एसटी कैटेगरी से जो भी है उन लोगों को काफ़ी कम कट ऑफ हो जाता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट एसटी कैटेगरी और एनटी 1 कैटेगरी से ऐसे भी होते हैं जो कि जनरल के लेवल का कट ऑफ ला सकते हैं, है ना। तो आप लोग मतलब ऐसे हल्के में मत लो इस एग्ज़ाम को, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप लोग एनटी 1 कैटेगरी एसटी कैटेगरी से हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनरल का 170 और ओबीसी का 163 है। मतलब हमारे कैटेगरी में से एसएसटी या एनटी 1 कैटेगरी से आपके कैटेगरी में से कोई अगर जनरल का लेवल का स्कोरिंग लाता है तो उसको प्रेफरेंस पहले मिलेगा। तो आप लोगों को जनरल का ही टारगेट रख के पढ़ाई करनी है, ऐसा मत सोचिए कि कम कट ऑफ है तो आपका नंबर ईजिली लग जाएगा ऐसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो ये बात को याद रखो आप, ओके। जनरल का 2020 का कट ऑफ आई थिंक सो 175 था, आप बिल्कुल गूगल सर्च कर सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है, ओके। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, एम एस टी सी टी एग्ज़ाम पैटर्न हैज़ बिन रिलीज बाई डी टी। मैंने आपको पहले ही बताया था ये डी टी जो है ये जनरली पुणे में होता है, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यही एग्ज़ाम कंडक्ट करता है जो महाराष्ट्र विथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑन द वेब पोर्टल। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन रही एम एस टी सी टी की तो वो डी टी के पोर्टल पे अनाउंस हो जाती है। एम एस टी सी टी का जो पोर्टल है डी टी ने बनाया हुआ उसके ऊपर अनाउंसमेंट हो जाती है, ऑफिशियली अनाउंस करते हैं, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाती है वहाँ पे। दी क्वेश्चन इन द एंट्रेंस एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, ओके। आपको पता होना चाहिए जो क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम के वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसलिए जिन लोगों को सिर्फ एम एस टी सी टी ही देनी है, हमें सर JEE या फिर नीट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन देना ही मतलब देनी ही नहीं है एग्ज़ाम, तो उन लोगों को मैं पहले ही बोल दूँ आप सिर्फ स्टेट बोर्ड की ही बुक लीजिए गाइज। आप लोगों को नीट के लिए NCERT लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही JEE के लिए NCERT लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ MHT CET देना होगा। तो आप सिर्फ स्टेट बोर्ड की बुक को ही फॉलो करो, सारा का सारा क्वेश्चन पेपर उसमें से ही उठा के आ जाता है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं वेटेज बताऊँ 11th का तो 20% क्वेश्चन आपके 11th स्टैंडर्ड से आ जाते हैं और 80% क्वेश्चन आपके 12th स्टैंडर्ड से आ जाते हैं। अब किस तरह से कौन से क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर आते हैं यहाँ हम ये बात करेंगे, हम आगे बात कर रहे हैं इसकी। द पेपर विल हैव MCQs एंड द टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, टोटली पेपर के लिए 180 का ड्यूरेशन होता है, PCM के लिए 180, PCP के लिए 180 होता है, 180 हो जाता है। 2 marks विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर इन द मैथमेटिक्स पेपर, जो कि मैंने पहले ही बता दिया आपको। वैसे ही केमिस्ट्री में भी आपका बॉटनी बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी के अंदर डिवाइड किया गया है, बॉटनी के 50 क्वेश्चन और जूलॉजी के भी 50 क्वेश्चन आते हैं, जिनको हर एक क्वेश्चन को एक एक मार्क होता है गाइस। यहाँ पे इक्वल लेवल है बॉटनी और जू में, नीट में ऐसा नहीं होता, नीट में बॉटनी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है और जू का वेटेज थोड़ा कम होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपको यहाँ पे सिमिलर क्राइटेरिया आ जाएगा, है ना, फिजिक्स 50-50 क्वेश्चन का, जिसको हर एक क्वेश्चन को एक एक मार्क मिल जाता है, नो नेगेटिव मार्किंग। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर बुक्स नोटबुक्स और रिटन नोट्स, अरे वाह ये सब अलाउ है गाइस, ऐसा मत सोचो आप, ओके। तो सेलफोन्स ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको अलाउ नहीं है एग्जामिनेशन, सर ये पता है हमको, तो आपने क्यों बताया, ये मैं आपका मजाक ले रहा था, यार मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है इस बताने में। तो MHT CET एग्ज़ाम का पैटर्न और हाईलाइट देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आ गया आपका यहाँ पे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसी होती है आपकी, सर ऑनलाइन मोड होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, इंग्लिश मराठी और उर्दू मीडियम में भी होती है ये एग्ज़ाम, हम तो इंग्लिश ही देने वाले हैं सर, है ना। नंबर ऑफ पेपर्स कौन से फॉर्मेट में होते हैं आपके, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी और बॉटनी ए ग्रुप हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका ग्रुप 2 हो जाता है, मतलब ग्रुप बी बोलेंगे हम उसको। टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 180 मिनट्स पहले बता दिया मैंने, मतलब कितना है 1 hour 30 minutes, 1.5 hours का आपकी एग्जाम हो जाती है। क्वेश्चन पेपर का अगर टाइप बताओ तो क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम MCQ बोलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ जाते हैं यहाँ पे, सर 50 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, बस जूलॉजी और बॉटनी को 50-50 हो के आपके 100 हो जाते हैं। तो गाइज ऐसा समझो आपके जूलॉजी और बॉटनी अलग अलग आ गए आपके, है ना, तो 50-50 आ जाते हैं उसमें भी आपके। नेगेटिव मार्किंग होती है, नहीं बाबा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यही तो खासियत है हमारी MHT CET की, इसमें फ़ायदा हो जाता हम लोगों को। देखो यहाँ पे आपको दिए हुए सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो 11 से आएंगे, गाइस हमेशा याद रखो आपके हर एक सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आपके 11 स्टैंडर्ड से आ जाते हैं, 100% 10 क्वेश्चन तो आना ही आना है। और हर एक क्वेश्चंस को कितना मार्क होता है, 1 मार्क होता है, ये लोग आपको बता
और 40 क्वेश्चन जो है आपके वो 12th स्टैंडर्ड से आ जाते हैं, ऐसे मिला के कितने हो गए 50 क्वेश्चन हो गए आपके, मतलब 12th में वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। नीट और JEE का पार्ट अलग आ जाता है। नीट और JEE में मैं जब वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि वहाँ पे JEE में नीट में 11th का क्राइटेरिया 60% होता है, वेयर एज 40% 12th का होता है ना। वहाँ पे थोड़ा चेंज होता है, वो 11th को इम्पोर्टेंस थोड़ी ज़्यादा देते थे क्योंकि उनको पता है बेसिक सबसे ज़्यादा 11th स्टैंडर्ड में होता है। यहाँ पे उन्होंने 12th को इम्पोर्टेंस दी है। टोटल मार्क्स की बात करूँ तो मैं आपके हर एक मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होते, तो ऐसे टोटल 100 मार्क्स है मैथमेटिक्स में और इसको 90 मिनट मिल जाते हैं। वैसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी 10-10 क्वेश्चन आपके 11th से आ जाएंगे, 12th में से 40-40 क्वेश्चन, हर एक को एक एक मार्क्स, वैसे 100 मार्क्स और 90 मिनट्स मिल जाते हैं आपको। बायोलॉजी हम 2 क्राइटेरिया में डिवाइड करेगा, एक बॉटनी में और दूसरा जूलॉजी में। बॉटनी में भी आपके 10 क्वेश्चन MCQ आपके जो होंगे वो 11th स्टैंडर्ड से होंगे और 40 आपके 12th स्टैंडर्ड से होंगे। वैसे ही जूलॉजी में भी आपके 10 क्वेश्चन 11th से और 40 क्वेश्चन 12th से हो गए। हर एक को कितने मार्क्स है, एक एक मार्क्स से टोटल कितने हो गए 100 मार्क्स। टाइम कितना हो जाएगा 90 मिनट्स। ये क्राइटेरिया प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जानकारी चाहिए तो। ओके वैसे आप निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे आगे बढ़ते जाना है अपने को, कदम से कदम मिलाते जाना है। डिफिकल्टी लेवल एज़ पर द, मैंने आपको बताया था 2019 के बाद काफ़ी बदनामी हुई थी MST CET एग्ज़ाम की, क्योंकि उन लोगों ने बताया था अरे क्या बकवास एग्ज़ाम है, इससे अच्छी थी नीट और JEE की डिफिकल्ट लेवल है। तो इन लोगों को बहुत जान पे आ गई थी, महाराष्ट्र लेवल के जो DTE का डिपार्टमेंट है उन लोगों को बोला अरे हम नहीं आज बकवास, हम भी हम JEE और नीट की लेवल के क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो बेचारों ने वो क्या किया, अभी 2019 के बाद ऐसे क्वेश्चन पेपर सेट करना शुरू कर दिए जो कि JEE और नीट के लेवल के क्वेश्चन के आ जाते हैं। गाइज आपके लिए बैड न्यूज़ है, बैड नहीं है एक्चुअली, आपको थोड़ी और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, बस इतना ही फ़र्क है। तो आपको अब पेपर्स वो आते हैं जो JEE मेन और नीट के लेवल के हो सकते हैं, बायोलॉजी के अंदर नीट के पेपर और केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर भी आपके नीट के लेवल के पेपर होने चाहिए। डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी उन्होंने। द क्वेश्चन विल बी मेनली एप्लीकेशन स्पेस, कौन से क्वेश्चन होते हैं एप्लीकेशन बेस के ऊपर होते हैं, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन के बेसिस पे होते हैं। द क्वेश्चन विल बी सेट ऑफ द होल सिलेबस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स 12, है ना। आपका सब्जेक्ट्स जो कि स्टैंडर्ड 12 में कंप्लीट आपका सिलेबस होता है चारों सब्जेक्ट का, लेकिन 11 में कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके उस क्राइटेरिया में आते हैं। हाउएवर 10 क्वेश्चन फ्रॉम इस सब्जेक्ट विल बी बेस्ड ऑन द 11th MST CET 2020 की अगर बात करूँ मैं तो, बींग अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट द एग्जामिनेशन हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 3 पेपर्स, उनको 3 पेपर में उनको डिवाइड कर दिया गया था। PCM PCBR डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप स्लॉट, आपको पता है ग्रुप 1 में कैंडिडेट कितको कितना टाइम मिलता है 90 मिनट, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करना होता है। गाइज याद रखो आपको 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स मिलते हैं आपको पेपर 1 ग्रुप 1 में। इसका मतलब है सर हमको 10 मिनट कम मिलते हैं, यस डेफिनेटली आपको 10 मिनट कम मिलते हैं। इसलिए तो बोलता हूँ मैं कि टाइम टू टाइम पेपर सॉल्व करो, अभी ऑनलाइन में है, जब ऑफलाइन हो जाएंगे तब आपको टाइम और एडजस्टमेंट समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग ओपन करते हो PDF फाइल को, फिर कब देखते हो तब मैसेज देखते हो, फिर उस टाइम पे आप अटेम्प्ट नहीं रहते, फिर लेट सबमिशन करते हो, फिर बोलते हो सर सॉरी सर मैं बाहर गया था, वैसे वैसे काफ़ी आप बहाने बना लेते हो, वैसा ऑफलाइन में नहीं चलेगा, इसीलिए तो फ़ायदा है ऑफलाइन का। तो ग्रुप 1 में जो भी कैंडिडेट इनको फॉलो करते हैं उन लोगों को बता दूं मैं कि 90 मिनट आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मिलते हैं 100 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट्स, ये बात याद रखो। ग्रुप 2 में जो कि मैथ्स और बायो का होता है उन लोगों को भी 90 मिनट्स मिलते हैं कम्प्लीटली मैथ्स और बायोलॉजी के लिए। नोट करो एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड एट द ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, याद रखो CET के एग्ज़ाम जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होती है, मतलब मानो हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सर बुल्ढाना है, तो हमारी एग्ज़ाम कहाँ पे कंडक्ट हुई CET के बुल्ढाना में कंडक्ट होती है ना। ये अभी कोविड सिचुएशन थोड़ा अलग कर दिया तो उन्होंने लोगों ने अलग अलग जगह पे उन्होंने डाल दिए थे, जैसे कि खामगांव में भी सेंटर डाले थे उन लोगों ने, तो ऐसा नहीं होगा अब यहाँ पे। अब अगर आपके टाइम पे 2021 में अगर सब कुछ ओपन हो जाता है तो वो फिर आप शायद बुल्ढाना ही रखेंगे, मे बी ऐसा कर भी नहीं सकते, शायद बुल्ढाना के जगह पे खामगांव भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। और 2022 स्टूडेंट जो है उन लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तब तक आपका सब कोरोना गिरोना सब अटक जाएगा, आई होप सो, है ना। मेरी तो ऊपर वाले से यही दुआ है, आप लोगों भी दुआ किया करो, भगवान आपको भला करेगा, है ना। अब बात करते हैं हम सीरियल नंबर में PCM ग्रुप में कितना मिनट मिलता है 180 किसके लिए भाई सर, उसमें से 90 मिनट फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए होते हैं 90 मिनट्स मैथ्स के लिए होते हैं। PCB में वही क्राइटेरिया 90 मिनट फिजिक्स केमिस्ट्री या 90 मिनट बायो होता है। MST CET मार्किंग शेम्स का हम जो बात करेंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गाइस। ओके तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ देखिए, ये मार्किंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
तो हैव अ नाइस डे एवरीवन, है ना। तो इस बार इसका वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर याद से रखो, और जिन लोगों ने फिर से सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए सब्सक्राइब, आपका भला होगा और कुछ नहीं होगा।